मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। आप भी थोड़ा कुछ करिए। आप क्या करें, आप थोड़े से भारतीय बनिए, स्वदेशी बनिए। हम भी थोड़े अंग्रेज हो गए, शर्ट पहनते हैं जो इस देश की पोशाक नहीं, पैंट पहनते हैं वो बिल्कुल ही पोशाक नहीं इस देश। यहाँ तो धोती है, कुर्ता है, पजामा है, लुंगी है। पैंट यहाँ की पोशाक इसलिए नहीं है कि गर्म देशों में पैंट नहीं पहनी जाती, ये ठंडे देशों की पोशाक है। ठंडे देशों में हवा ठंडी आती है ना, तो पैर एकदम बंद रहना चाहिए, चुस्त, इसलिए पैंट पहनते हैं। यहाँ तो गर्मी बहुत है, इसलिए खुला रहना चाहिए, खुला पजामा, खुली धोती। वो अंग्रेजों की है, शर्ट भी ये अंग्रेजों की है। और हम तो एक और मूर्खता करते हैं कि शर्ट पैंट तो पहनते हैं, ऊपर से कोट और पहन लेते हैं, भयंकर गर्मी में कोट चढ़ाते हैं, और कोट के ऊपर और एक कोट पहन लेते हैं, एक अंदर कोट एक बाहर कोट, थ्री पीस सूट, और ऊपर से टाई लगा के इसको टाइट कर लेते, थोड़ी भी हवा अंदर ना जाए। अब भयंकर गर्मी में थ्री पीस सूट और टाई लगा के अंदर से पसीना पसीना पसीना, मूर्ख उसको उतार के नहीं फेंकेंगे, कहेंगे एसी चलाओ, कोट उतार के फेंक दो, एसी की जरूरत नहीं। और मुझे कभी कभी ये दृश्य बहुत खराब लगता है देखने में, आपको भी लगता होगा। जून की गर्मी में बहुत शादियां होती है और तापमान 50 डिग्री होता है, उस समय दूल्हे राजा थ्री पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे रहते। उस दिन वो आदमी सुपर इडियट दिखाई देता है, दूल्हे राजा। कहां जा रहा है भाई, शादी करने जा रहा है, इसी दिन इतनी मूर्खता करने की क्या जरूरत है। थ्री पीस सूट और टाई, भयंकर गर्मी में घोड़े पे चढ़ के बैठा है, पसीना पसीना हो रहा है, उतार के नहीं फेंकेगा उसको। अब उस दूल्हे राजा को मैं कहता हूं, भाई अगर तू थ्री पीस सूट और टाई पहन के जा रहा है तो तेरी पत्नी को स्कर्ट पहना फिर, तब तो बात समझ में आएगी। पति अंग्रेज है तो पत्नी भी तो अंग्रेज होनी चाहिए, स्कर्ट पहन के शादी करवा। अब पत्नी को कहता साड़ी पहन और खुद थ्री पीस सूट और टाई पहनेगा, क्या मूर्ख है। हमारे यहां कहते हैं पति पत्नी गृहस्थी के गाड़ी के दो पहिए हैं, अब एक पहिया ट्रैक्टर का दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी ये गृहस्थी की गाड़ी। हमने अभी तक अंग्रेजों की गुलामी छोड़ी नहीं है। अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों का भजन, अंग्रेजों की वस्तुएं, सब वही हम करते। अंग्रेज भाग गए, बाकी सब यहां छोड़ गए, तो इसको भगाना है, अपनी भूषा बदलनी है, अपनी भाषा बदलनी है, अपने भजन भी बदलने हैं। संगीत, आजकल अंग्रेजों के संगीत में नौजवान फंसे हुए हैं। माइकल जैक्सन क्या गाता है समझ में नहीं आता कभी भी, और क्या नाचता है वो भी समझ में नहीं आता। भला किया भगवान ने जो उसको बुला लिया। हाँ, ऐसे ऐसे टांग फेंकता था कि समझ में नहीं आता है एक्सरसाइज कर रहा है कि नाच रहा है। कसरत करना उससे ज्यादा अच्छा है, वो जो टांग फेंकता रहता है। और विचित्र विचित्र गाने जो आपके समझ में नहीं आते, क्यों फालतू दिमाग खराब कर। अपने संगीत में कुछ कमी है क्या, तो क्यों विदेशी संगीत में फंसना। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, आप भी आजाद हो जाओ, इस अंग्रेजी गुलामी को छोड़ो, अंग्रेजी भाषा छोड़ो, अंग्रेजी भूषा छोड़ो, अंग्रेजी भोजन। आजकल बहुत अंग्रेजी खाना खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, नाम भी विचित्र है, हॉट डॉग, गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग, ठंडा कुत्ता, वो खा रहे हैं उसको, मूर्खों के मूर्ख लोग। और उसमें कुछ नहीं है, एक पाव रोटी है, डबल रोटी है, काट के बीच में सलाद भर दिया, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग। और ये पाव रोटी, डबल रोटी सड़े मैदे से बनती है। अमेरिका और यूरोप वाले इसको इसलिए खाते हैं कि वो रोटी नहीं बना सकते आपकी तरह से,
आपके देश में जो गेहूं का आटा है ना, अमेरिका में भी गेहूं का आटा है, यहाँ गेहूं पैदा होता है, उनके यहाँ भी होता है, लेकिन हम गेहूं के आटे से रोटी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, कचौरी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, 20-25 चीज़ें बना सकते हैं। गेहूं के आटे से हलवा बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अमरीकियों को आता ही नहीं है, यूरोप में कोई बना ही नहीं सकता, मालूम ही नहीं, टेक्नोलॉजी उनके पास है ही नहीं है। उनके देश की माताएं बहनें कितना भी पढ़ लिख जाएंगी, रोटी बनाना किसी को नहीं आता। और हिंदुस्तान में कोई भी माँ बहन बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी हो रोटी तो इतनी बढ़िया बना सकती है जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और मैंने तो देख लिया कि भारत अकेला देश है जहां पर गरम गरम रोटी बना के आपको कोई खिलाता है, यूरोप और अमेरिका में तो कोई सपना भी नहीं देख सकता। वहां तो पता है क्या होता है, रोटी है ही नहीं, डबल रोटी है, लाके मेज पे रख देते, काट काट के खा जाओ, और वो 3 महीने पुरानी है, ताजा होती नहीं, और सब्जी बनाना नहीं आता, तो बनी बनाई सब्जी लाते हैं, उसमें नमक छिड़क के उसको खा लेते हैं, डबल रोटी पाव रोटी से, ये उनका भोजन है। आपके पास इतने तरह के भोजन है, वहां तो है ही नहीं, तो भारतीय भोजन करो ना। मैंने एक दिन सोचा कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से शुरू करके जिस दिन मरूं, इतने दिन हो गए मेरी जिंदगी में, हर दिन एक नया व्यंजन बना के मैं खा सकता हूं, इतनी विविधता इस देश में है, यूरोप में अमेरिका में है ही नहीं। वो तो इतने गरीब लोग हैं आप सोच नहीं सकते। अमेरिका में दूध जो है ना किसी को ताजा नहीं मिलता, आपको ताजा ताजा दूध मिल जाता ना रोज का रोज, और मिल नहीं जाता, वो गाय वाला गाय लेके आ जाता है आपके घर के सामने निकाल के दे जाता है। अमेरिका में तो ये सपने की तरह से है, दूध लेना हो तो पुराना मिलता है, 7 दिन पुराना, 10 दिन पुराना, 15 दिन पुराना, और उसको लेने के लिए 200 मील कार चला के जाना पड़ता है, तब एक डिब्बा एक कैन लेके आते हैं और उसको 7 दिन पीते रहते हैं उसी बासी दूध को। हमारे यहाँ ताजा दूध हमें मिल जाता, ताजी सब्जियां मिलती हैं, अमेरिका में नहीं मिलती किसी को, रोज सुबह की सब्जी सुबह शाम की शाम को ताजा ताजा आती है, अमेरिका में तो सब्जी 15-15 दिन पुरानी होती है। बहुत सुखी हैं हम लोग। अमेरिका में ये सपना किसी को नहीं आ सकता, ये जो घर में आके कोई प्रेस करके चला जाता है ना आपके कपड़ों को, अमेरिका में अगर प्रेस करवाना है तो 50 मील गाड़ी चला के जाना पड़ेगा और कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, और वो 2-5-7 दिन में वापस आएंगे, कोई घर में करके नहीं दे जाता, नौकर नहीं मिलते वहां काम करने को, सब काम अपने आप ही करने पड़ते हैं, और काम करने के लिए फुर्सत भी नहीं है लोगों को, क्योंकि सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक भूत की तरह से काम करना पड़ता 12 घंटे, तब जिंदगी चलती है उनकी, छुट्टी की तो सोच नहीं सकते वो। हम बहुत सुखी हैं, ये अमेरिका और यूरोप में हम फालतू फंस गए, अंग्रेजों की नकल करने में लग गए, ये नकल छोड़ दो, इनकी गुलामी छोड़ दो, अपना देश बहुत अच्छा, अपनी भाषा अच्छी, अपना भोजन अच्छा, अपना भजन अच्छा है, और अपनी दवाएं अपनी भेषज भी अच्छी हैं, ये अंग्रेजी दवाएं खाना छोड़ दो, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बैरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन, ये सब जहर है। दुनिया के देशों में 20-20 साल से ये दवाएं बंद हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं, हमें पता ही नहीं है, इन दवाओं को खा के कैंसर हो जाता है, आहार नली का कैंसर, आंतड़ियों का कैंसर, इन दवाओं को खाने से एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, इन दवाओं को खाने से विकलांगता आती है, पैरालिसिस हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, खतरनाक दवाएं मत खाओ। फिर आप बोलोगे कौन सी दवाएं खाएं, अपनी दवा खाओ ना आयुर्वेद की, सस्ती है कीमत में और क्वालिटी में अच्छी, और आयुर्वेद की सब दवाएं तो घर में है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, आपके पास काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, शहद है, गाय का घी है, ये सब दवाएं हैं रसोई में है, इनका उपयोग करो, अंग्रेजी दवाएं मत खाओ। और कभी गंभीर बीमारी हो जाए तो आप होम्योपैथी दवाएं ले लो, वो इन अंग्रेजी दवाओं से ज़्यादा अच्छी है, कम से कम उसके साइड इफेक्ट नहीं है।
अंग्रेजी दवाएं तो बिल्कुल बंद करो, इससे देश को बहुत फायदा है। 6 लाख करोड़ रुपए साल की हम बचत कर सकते हैं अगर ये अंग्रेजी दवाएं खाना हम बंद कर दें तो। खाली आयुर्वेद की दवाओं से इलाज करें, और आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, और आज से नहीं हजारों साल से है। भगवान श्री राम जब हुए थे ना तब भी आयुर्वेद ही था, और अब भी आयुर्वेद है हजारों लाखों साल से। तो आयुर्वेद में बहुत दम है, वरना इतने साल तक कोई चिकित्सा पद्धति चल नहीं सकती। तो अपनी भाषा उसमें बात करो, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भजन, अपनी भेषज, और अंत में अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल। भारत में बनने वाली जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उन्हीं का प्रयोग करो, विदेशों से आई हुई वस्तुओं का प्रयोग मत करो, विदेशी कंपनियों की वस्तुओं का प्रयोग मत करो। जैसे हमारे देश में इस समय 5,000 विदेशी कंपनियों की वस्तुएं बिकती हैं, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरहंस, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, ये सब विदेशी, इनको मत खरीदो, क्योंकि इनसे 2,32,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश को होता है। आप जो भी विदेशी वस्तु खरीदोगे उसका पैसा विदेश जाएगा। अब भारत का पैसा विदेश नेता लेके जाए स्विस बैंक में, या भारत का पैसा विदेश जाए आपके द्वारा विदेशी वस्तु खरीद के, नुकसान तो दोनों में ही देश को है। इसलिए ये फालतू विदेशी वस्तुएं मत पियो, मत खरीदो। अब लोग मुझे ये कहते हैं कि ये पेप्सी कोका कोला जैसी विदेशी वस्तु हम इसलिए लेते हैं, इसमें क्वालिटी है? उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। एक बार हमने उसकी जांच कराई तो पता चला उसमें जहर है, एंडोसल्फान, मेलाथियान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसे 14 जहर मिलाकर पेप्सी कोला बनता है। और आपको मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, अमेरिका के ये पेप्सी और कोका कोला को भारत के बहुत सारे किसान फसल पे छिड़कते हैं कीड़े मारने के लिए, और कीड़े मर जाते हैं इससे, इतना जहर है इसमें पेप्सी कोक, मत पियो आप उसको। और ये पेप्सी कोक में एक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, इसी एसिड से फिनाइल बनता है, हार्पिक बनता है, और फिनाइल और हार्पिक से हम टॉयलेट साफ करते हैं, पेप्सी से भी कर सकते हैं, मैंने करके देखा है, बहुत अच्छा साफ करता है। एक बार मैंने एक महीने तक मेरे घर का टॉयलेट साफ नहीं किया था, पेप्सी कोला लाके संडास पे गिराया, पानी से 2 मिनट के बाद धोया, झकाझक सफेद, एकदम साफ। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब इसे हम पी रहे हैं और घर में आने वाले मेहमानों को भी पिला रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते हैं, और कुछ मूर्ख अतिथि ऐसे घर में आते हैं कहते हैं ठंडा लाओ माने पिलाओ हमको टॉयलेट क्लीनर। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो फालतू चीज पी के, बंद करो इसको, अच्छा नहीं। फिर आप बोलोगे क्या पिए, गन्ने का रस पियो, संतरे का रस पियो, मौसमी का रस पियो, अनार का रस पियो, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी पी लो, पैसे बचेंगे शरीर भी अच्छा। ऐसे ही विदेशी टूथपेस्ट बंद करो, कॉलगेट, क्लोजअप, दांत साफ करना है नीम का दातुन, बबूल का दातुन, करंज का दातुन, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं, गली गली गांव गांव मिलता है, हर समय उपलब्ध है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि सब लोग कॉलगेट बंद करें क्योंकि बहुत महंगा है, 30 रुपए का 100 ग्राम है कॉलगेट, 300 रुपए किलो, गाय का घी 150 रुपए किलो, कॉलगेट 300 रुपए किलो, और पढ़े लिखे मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, 300 रुपए किलो का पेस्ट मुंह में रगड़ के थूक रहे हैं, और 150 रुपए किलो का घी रोटी पे लगा के खा रहे हैं, सस्ती चीज खा रहे हैं, महंगी चीज थूक रहे हैं, और कहते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं क्या करें, मैं कहता हूं ये 300 रुपए किलो का कॉलगेट थूकते क्यों हो, रोटी पे लगा लगा के खाओ, क्योंकि गाय के घी से महंगा है, पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हो, ये कॉलगेट क्लोजअप बंद करो, सस्ती चीज है दातुन करो, दांत अच्छे हैं साफ रहेंगे, नहीं तो दंत मंजन कर लो, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन। ऐसे ही आपको निवेदन है कि ये विदेशी टूथपेस्ट के साथ शेविंग क्रीम भी मत खरीदो, पाम ओलिव, ओल्ड स्पाइस, रेशमिक, दाढ़ी बनाते ना ये बंद करो, शेविंग क्रीम फालतू खर्चा है।
इसकी जगह पे दूध से दाढ़ी बनाओ, थोड़ा दूध ले लो आधा चम्मच, खूब अच्छे से चेहरे पे रगड़ लो, फिर रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है। मैं 15 साल से बनाता हूँ। 4 फायदे हैं। पहला फायदा है कि दूध लगाओ तो चेहरा चिकना हुआ, तो रेजर आसानी से चलता है, तो ब्लेड की लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा फायदा, दूध लगाओ तो गंदगी निकल जाती है, गंदगी निकलेगी तो कील मुहासे नहीं होते। तीसरा फायदा, रोज दूध लगाओ तो चेहरा चमकता है और फोकट में स्मार्ट बन जाएंगे आप। कल सवेरे से ही चालू करो दूध से दाढ़ी बना, और दूध ना मिले तो दही से बनाओ, थोड़ी दही ले लो चेहरे पे लगाओ, दाढ़ी बनाओ, बहुत अच्छा है। मैंने हिसाब निकाला, सारी शेविंग क्रीम हम बंद कर दें और दूध से दाढ़ी बनाना शुरू करें तो दूध ज्यादा बिकेगा, तो किसानों को उसको मुनाफा मिलेगा, तो गाय बैल भैंस ज्यादा पलेंगे, तो गोबर ज्यादा होगा, तो खेत में गोबर का खाद डलेगा, तो यूरिया DAP बंद हो जाएगा, तो जहर भी हमारे खाने में नहीं आएगा। कितना बड़ा फायदा। और ऐसे ही मेरा निवेदन है, ये साबुन जो लगाते हो ना, लक्स लाइफ बॉय, सब बंद करो, दूध से नहाओ, दूध से दाढ़ी बनाओ, दूध से नहाओ। अपने घरों में बुजुर्गों के पांव छूते हैं तो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तो मान तो लो उनकी बात, दूधो नहाओ। कभी कोई बुजुर्ग ने ऐसा बोला, लक्स लगाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो, वो सब कहते हैं दूधो नहाओ, तो दूध से नहाओ। हम तो हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार आता है तो शंकर जी को दूध से नहलाते हैं कि नहीं? अब शंकर जी नहा सकते हैं तो भक्त क्यों नहीं नहा सकते? आप भी नहाओ। आप बोलोगे दूध महंगा है, बहुत सस्ता, मैं हिसाब बताता हूँ, 20 रुपए किलो दूध है और 40 रुपए का 100 ग्राम साबुन है डव, 400 रुपए किलो साबुन, 20 रुपए किलो दूध, क्या सस्ता है दूध? और दूध नहाने में बहुत थोड़ा लगता है, 2-3 चम्मच दूध ले लो कच्चा, बिना गर्म किया हो, उसको शरीर पे मालिश कर लो और पानी से नहा लो, सारी गंदगी और मैल निकल जाता है। दूध जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है। ये जो ब्यूटी पार्लर्स होते हैं ना 5 स्टार, वहाँ चेहरे की सफाई दूध से करते हैं, 500 रुपए ले लेते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ आप। कल से शुरू करो, दूधों से नहाना, दूध से दाढ़ी बनाना, साबुन बंद। और नहाना है तो मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, और विदेशी क्रीम पाउडर लिपस्टिक भी बंद करो, फेयर एंड लवली बड़ी महंगी है, 25 ग्राम 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की, 400 रुपए किलो बादाम, 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली। अब बादाम नहीं खाते, फेयर एंड लवली लगाते क्या सोचते हैं? गोरापन आएगा, कभी नहीं आने वाला। मैंने 4 साल एक भैंस को लगा के देख लिया फेयर एंड लवली, भैंस अभी भी काली की काली। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं जो काले को गोरा बनाए, काला काला है गोरा गोरा है। जो फेयर एंड लवली लगी से सब गोरे हो जाते तो अफ्रीका वाले अभी तक काले क्यों हैं? ये तो उल्लू बनाते हैं, वो विज्ञापन करते। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको सच बात बताता हूं, वो मद्रास में रहता है, चिक्कट काला है, अपने घर में तवा है ना रोटी बनाने वाला, उसको उल्टा कर दो इतना काला, और वो 20 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा, अभी भी गोरा नहीं हुआ। तो उसने फेयर एंड लवली की कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि मैं तो गोरा हुआ नहीं। तो कंपनी ने कहा अदालत में कि इसमें गोरा बनाने वाला कोई केमिकल नहीं है, ये तो हम झूठ विज्ञापन करके धंधा करते। अब आप उसमें 1600 रुपए किलो की क्रीम खरीद के फालतू में पैसे बर्बाद करते हैं, बंद करो ये, मत खरीदो। अब बहुत लोग कहते हैं कि फेयर एंड लवली से सुंदरता आती है, सुंदरता क्रीम से नहीं आती, गुण कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, आप बहुत सुंदर। ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक से कोई सुंदर नहीं होता। तो ये विदेशी चीजों को बंद करो इस्तेमाल करना। कभी भी बाटा के जूते मत खरीदना विदेशी, अपने गांव के मोची से खरीदना। जितना बने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो साल में 2,32,000 करोड़ हम बचा सकते हैं, और ये पैसा बचाकर देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। यही काम करना है। अब इसमें एक काम हम करेंगे, एक आप करो। हम क्या करेंगे? व्यवस्था बदलना,
केंद्र सरकार से लड़ाई करना, झगड़ा करना, कानून बदलना, संविधान बदलना, ये सब हम करेंगे। बाकी का काम आप करो। विदेशी भाषा बोलना बंद, ये आप करो। विदेशी सामान खरीदना बंद, ये आप करो। विदेशी भूषा पहनना बंद, ये आप करो। विदेशी भोजन करना बंद, ये आप करो। तो कुछ आप करो, कुछ हम करें, दोनों मिलकर इस संगठन को सफल बनाएं।